Assalamualaikum everyone, so guys welcome back to my channel। जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल में कि हम जा रहे हैं संडे बाजार क्लिफ्टन ला 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 ला। तो मैं पहुंच गई हूँ नीचे। सबसे पहले किया हमने नाश्ता। नाश्ते में थे सैंडविच अंडे वाले और हॉट डॉग्स। एंड दिस सैंडविच वॉज मेड फॉर मी बाय माई डैड। और सुबह के नाश्ते में चाय तो मस्ट है बॉस। नाश्ता वाश्ता करके हम निकल पड़े बहरिया टाउन कराची से क्लिफ्टन की तरफ। पूरे एक घंटे का सफर है, कमर कस ली है हमने। चलो अब मिलते हैं बाजार में। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब पहुंच गए संडे बचत बाजार। चलो बाजार का सर्वे करें। एंटर होते साथ ही हमको नजर आई सबसे पहले बुक्स। जिनको बुक्स पढ़ने का शौक है वो यहां से बुक्स ले सकता है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। बुक्स के अलावा इनके स्टॉल पर फ्रेम्स भी थी। ये 700 रुपीस ईच है, ये 1500 रुपीस की 3 है और ये वाली 1000 रुपीस की 3 है। फिर हम आगे चले तो क्रॉकरी नजर आई हमें। क्रॉकरी देख के तो मैं पागल हो गई। दिल तो कर रहा था सारी चीजें उठा लूं। ये केटल ओए होए इतनी अच्छी खूबसूरत। ये 500 का ग्लास है जो मैंने ले लिया। आप लोग जो भी चीजें लो बार्गेन जरूर करना। ये पिंटरेस्ट वाला फ्लावर वास तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये क्यूट से पॉट 500 रुपीस के 2 थे। ये क्यूट से कप का सेट 1500 रुपीस के 6 थे। 1200 रुपए का। यहाँ पर पॉट्स की बहुत सारी वैरायटी थी। एक देखो एक बोलो। 4500 का एक। ये 2000 रुपए का मसाले वाला बॉक्स, स्पाइस बॉक्स। ये 450 का। इन खूबसूरत सी पुरानी फ्रेम्स का हदिया था 850 रुपए का ईच। फिर आगे बढ़े तो बहुत सारी हुडीज हमें नजर आई। जैकेट्स और जीन्स की बहुत सारी वैरायटीज हमें देखने को मिली जो आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। यहाँ पर लगेजेस और बैग्स की बहुत सारी वैरायटी मौजूद थी। 2200 रुपए का बैग, 6000 रुपए का बैग है, ये 4000 रुपए। फिर आगे बढ़े तो वहाँ पे हमें लेडीज स्वेटर्स बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिले जिनकी प्राइस 450 रुपीस थी। फिर आगे बढ़े तो बहुत सारे स्वेटशर्ट्स का स्टॉल दिखा, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। आगे बढ़े तो लेडीज ट्राउजर्स नजर आए। आंखों में चमक सी आ गई थी, दिल कर रहा था सारे ही ले लूं। वाओ, ये स्वेटर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। शॉपिंग पर आओ और खाना ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। विदाउट खाना शॉपिंग इज इनकम्प्लीट। जिसमें बिरयानी हो, फ्राइज हो, चाट हो तो शॉपिंग करने में एनर्जी आ जाती है। पेट पूजा हो गई, उसके बाद फिर हम चल निकले वापस शॉपिंग के लिए। जैसे ही आगे गए तो श्रग्स में इतनी सारी वैरायटी थी, दिल कर रहा था सब उठा लूं। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि कराची में सर्दियां बहुत कम आती है। एनीवेज फिर आगे गए तो इतने सारे कोट्स थे, उसकी प्राइस 2500 रुपीस थी। ये कोई भी ले लें 2500 रुपए। ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी 2500 रुपीस का है। ये आइकन का नाइट सूट 850 रुपीस का था। ये 550 रुपीस का है। इतनी सब शॉपिंग करने के बाद आपकी बहन को लग गई भूख तो चल पड़ी बंद कबाब खाने के लिए। ये बंद कबाब तो बहुत ही आधा था। खा पी के फारिग हुए तो फिर निकल पड़े शॉपिंग के लिए। जैसे ही आगे बढ़े तो सॉक्स का स्टॉल लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा। 200 रुपए, 250 पर 200 रुपए। आप लोग और भी बार्गेन कर सकते। फिर मैं जा पहुंची शूज के स्टॉल पर आप लोगों के लिए स्पेशली, कि यहाँ पे शूज की वैरायटीज बहुत ज्यादा अच्छी थी और रिजनेबल प्राइस भी थे। और इन चप्पलों की प्राइस 1800 रुपीस थी। फिर हम जा पहुंचे क्लिप्स और बैंड्स के स्टॉल पर, जिधर बहुत अच्छे अच्छे स्क्रंचीज, बैंड्स वगैरह सब मिल रही थी, वो भी रिजनेबल। ये शॉर्ट जैकेट स्वेटर्स 1500 रुपीस के थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे तो हम लोगों ने वो ले लिए। ये वाले स्वेटर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, इसमें येलो वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर पिलो की बहुत सारी वैरायटी थी जिसको आप लेकर रिजनेबल प्राइस में अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े सनग्लासेस के स्टॉल पर। बहुत ही अच्छे जो दराज में मिल रहे हैं, आजकल जो ट्रेंड पे चल रहे हैं, वो वाले ग्लासेस यहाँ मिल रहे थे। नेक पिलो भी बहुत अच्छे अच्छे थे तो इसमें से मैंने ये वाला लिया 700 रुपीस का। ये सारे स्टॉल 350 रुपीस ईच थे। फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ पे लेडीज सैंडल्स का स्टॉल नजर आया जहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी। हमने जाते जाते ह्यूज वैरायटी ऑफ रग्स देखे जो दराज पे भी हैं और इसकी प्राइस 1500 से 1800 है। और तो और बार्गेनिंग करके अपना घर इजीली सजा सकते हैं। जाते जाते मेरी नजर पड़ गई कैप्स के स्टॉल पर, जहाँ पर बॉयज और गर्ल्स की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी। जिनको फैशन सेंस है वो इजीली अपनी चीजें यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ही हम बाहर गए वहाँ पर हमें प्लांट्स दिखे। ये फेक नहीं, रियल है। प्लांट्स लवर के लिए ये बेस्ट प्लेस है। आज के लिए इतना काफी है, फोन की बैटरी डेड हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चाहे तो सब्सक्राइब कर देना। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।